नमस्कार, नमो शिवाय। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और पहले तो आपको सबको मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं अभी बंदर आए थे ना, बंदर ने भगाने गई थी, उन्होंने मेरे बैंगन लगे हुए थे दो चार, उन्होंने तोड़ के भाग गए साले। कुत्ते भी भौंक रहे थे, फिर भी इतने ढीठ हो रखे हैं ना बंदर, क्या बताएं, उल्टा काटने को आ रहे हैं वो। तो मैं उनको भगा के अभी आ ही रही थी कि टफी को मक्खी दिख गई। कुछ देर इसने हल्ला मचा दिया, इसको मक्खी को देख के भी डर लगता है। और मेरा बन रहा है अभी खाना, 11 बज गए हैं, 11:30 हो गए। और मैं बना रही हूँ सब्जी, दाल, चावल। बिट्टू और मैं खाने वाले, फिर ये जब ड्यूटी से आएंगे शाम को तो उनके लिए शाम को ही बनाऊँगी। अब दो हैं ही खाने वाले, तो दो हमें, फिर कुत्ते भी हैं, इनको भी देना पड़ता है। तो और कल हम गए थे, हमारे गांव वालों का किसी का गृह प्रवेश था यहीं कारबारी में, तो रात को हम वहाँ गए थे। आपको दिखाऊंगी मैं फोटो। और हम रात को गए थे वहाँ, आ गए थे 9:30-10 बजे तक वापस। तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी वीडियो में आके देखते रहना, बने रहे, तो आपको कल का भी पूरा दिखाई देगा। और अभी तो मैं खाना बना रही हूँ उसके बाद। और मैंने बिट्टू को ऊपर छत में भेजा है, क्योंकि लड़ी लगा रखी थी जो दिवाली के लिए, मैंने कहा कुछ कुछ निकाल दे और कुछ आगे की साइड रहने देंगे, वो एक दो दिन बाद निकालेंगे। लेकिन जो ज़्यादा है आगे इस साइड, ऊपर की साइड, उसको निकाल देते हैं, क्योंकि बिट्टू चला जाएगा फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, निकाल पाऊँगी इतना। फिर थोड़ा रह जाएंगे तो थोड़े तो निकाल ही देंगे, इसलिए अब बिट्टू एक दो दिन में चला जाएगा। उसके गाड़ी का काम भी लगभग पूरा हो ही गया, एक दो दिन के लिए रह गया है। तो उसको अभी तक वो शीशे साफ कर रहा था, क्योंकि मैं शीशे पे नहीं पहुंच पाती हूँ, शीशे बहुत बड़े हैं खिड़कियों के। तो अभी तक वो उनको साफ कर रहा था, और जो काम मेरे से नहीं हो पाता है वो करके जाएगा वो, क्योंकि खिड़कियाँ ऊंची हैं बहुत, तो मैं यहाँ ऊपर नहीं चढ़ पाती है। उसने ये साफ की, फिर ऊपर ममटी की कल उसने नीचे की खिड़की की। अब पीछे की साइड की रह गई 4-5 खिड़कियाँ, वो करेगा, कल करेगा शायद, कर ही रहा है। उसमें ना सीढ़ी लगा के करना पड़ता है, मैं सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाती हूँ, और अभी चढ़ना भी अलाउड नहीं है कुछ समय तक, जब तक स्वस्थ ना हो जाऊँ। अभी तबीयत तो ऐसी है, थोड़ा दर्द है अभी पेट में। ऑपरेशन के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, और डर भी लग रहा है करने को, कहीं कुछ हो गया, भारी सामान या भारी चीज़ या झुकना, ऐसे में डर लग रहा है करने के लिए, कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो मेरे को लेने का देना पड़ जाएगा। बड़े मुश्किल से बची हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। बस एक बार ज़िंदगी मिल गई तो काम तो होते रहेंगे, काम पूरी उम्र ही काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर यह है कि स्वस्थ रहें तो। और मैं अभी थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ और फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं बंदरों के पीछे भागी ना, तो मैं थक गई, इतना ही ताकत पता नहीं कहाँ चली गई मेरी, धक धक हो रहा है, धक धक। थोड़ी देर आराम करूँगी, थोड़ा बैठूँगी तो ठीक हो जाएगा। बंदर बहुत सारे आ गए थे, और फिर डर भी लग रहा था, वो तो आ जाते हैं काटने के लिए। टफी भी था मेरे साथ, झूली थी, बुड्ढा था,
लेकिन नहीं, तो डर रहे हैं वो किसी को देख के, वो आ रहे हैं काटने के लिए। अभी तो उस तरफ जा रखे हैं आगे खेतों की साइड। अब खाने के लिए उनको कुछ नहीं बचा है तो घर घर में जा रहे हैं, कहीं किसी का कुछ सब्जी वगैरह मूलियाँ होंगी तो, आजकल तो वही होती है मूली, जो खाते नहीं हैं वो बर्बाद करके तोड़ ताड़ के भी चले जाते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा बंदर हो गए, पता नहीं, कभी कभी आते हैं वो, हमेशा तो नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो चलो फिर थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, अभी हम तैयार हो रहे हैं कहाँ के लिए, गृह प्रवेश की पार्टी में। अभी फोन आया, यही है कारवारी में ही, पर जा रहे हैं, सब परिवार बुला रखा है तो जाना पड़ेगा। है बेटू, हाँ आ रहा है, हो गया तैयार? बस पिंकू तू भी आ रहा है, आ जा, अभी जाएंगे, हो गए तैयार और निकलते हैं। थोड़ा मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, मेरा तो वैसे खाना बन गया था, पर तब तो बोला इन्होंने फोन आ रखा है, वो भी हमारे गांव के हैं मक्कू के, तो उन्होंने फोन करके बोला था कि हमको पहले पता नहीं था, तो पता चला जबकि तो फोन किया, तब हम अभी जाना पड़ेगा। ठीक है फिर मिलते हैं। स्माइल प्लीज है ना, ना पल्ली पंडित जी भी कहीं जाने, जितना बोला ब्राह्मण कुछ होता क्या बोल। पंडित जी निशिंत है सत्यनारायण देव। सुनकर भगवान जी कहते हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि इसके करने से दुख शोक, यानी कि व्रत करने से दुख शोक धन का नाश होता है और धन धन की वृद्धि होती है और संतति की प्राप्ति सर्वत्र रहती है और विजय को प्राप्त हो सकता है, ऐसे व्रत में आपको बताता हूँ। इस व्रत से मनुष्य शक्ति भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन सायकाल नक्षत्रांग की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा से उत्तम नियमित भोग लगावे, सवा से उत्तम भोग लगा लंबा फलम कृतम चंद्रम को सारी यानी कि केले का फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण बनाकर चावल का चूर्ण बना खान खान अथवा गुड़ मिलावे तथा सवा अथवा सवा से हिसाब से मिलाकर शेष सत्यनारायण भगवान को देख चलावे। ईश्वर करते हुए भोग लगा के नेवेद्य पाके अपने अपने घर को जावे, तदनुसार अपने अपने घर जावे, भक्त करने से फल प्राप्त होता है। विशेषतः कलयुगे कंचित काशी नामक ब्राह्मण हुआ।
दुखित और बहुत अपने भूख से बहुत दुखित था, भिक्षा मांगते हुए गोमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर गोरे ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने उस दुखित ब्राह्मण को देखकर गोरे ब्राह्मण का रूप धारण किया। विधानं रक्षामि प्रभाव्या भाषति सत्यनारायणं पुरस्कृतं पादकोदितं परिश्यामी भक्तम मनसे ध्यान क्या ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम प्रति सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को विधिवत बताया। और अंत और फिर उसके बाद वह फिर से अपने सभी बंधुओं के साथ घर को चले गए। उस दिन तो वह हर महीने और संक्रांति में विधिवत पूर्वक से भगवान नारायण भगवान का व्रत करने लगे। तो हे मुनि, I'm
दीदी ब्लॉग दी मैं रोज मैं दगड़े गोर चल जाओ मैं पैदा जाए चलो ठीक है। ये सब हमारे मकू गाँव के हैं ये सारे मकू मकान मकू वालों ठीक है।